नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुप्रभात और मैं करिश्मा आपके साथ। सुप्रभात में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली, हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के 20 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पटना से लेकर सभी जिलों में कर दी है। ये अधिकारी अपने अपने जिलों में संक्रमण की स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे। जिले में संक्रमण से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं वो जाने, इसको लेकर सिविल सर्जन के साथ समन्वय बनाकर रखेंगे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने अपने जिले की संक्रमण से संबंधित रिपोर्ट शाम में जिला मुख्यालय और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को सौंपेंगे। इसके साथ ही संक्रमण को लेकर जिलों में जो भी निर्देश हो वह जारी करेंगे। वही प्रदेश में बूस्टर डोज लगेंगे और इसके लिए कई केंद्र बनाए गए हैं। तो दिल्ली, हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 20 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पटना से लेकर सभी जिलों में कर दी है। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरगुब आलम चुचके। मरगुब, देश के कई राज्यों में बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार कितने अलर्ट मोड पर है, स्वास्थ्य विभाग कितने तैयार है? देखिए, देश के कई राज्य हैं, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, कई राज्यों में जी 10 दिनों से देखा जा रहा है कि संक्रमण का रेट काफी बढ़ गया है। खास करके दिल्ली और एनसीआर में बहुत रेट बढ़ा है। तो आपको पता है कि चूंकि लगातार दिल्ली और एनसीआर से लोग बिहार आते रहते हैं और अभी तो अब पर्व का समय आ रहा है, तो राज्य सरकार अभी से अलर्ट मुद्रा में है। राज्य सरकार ने कल रात 20 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक जिले में कर दी है जी। ये पदाधिकारी स्वास्थ्य सेवा के हैं और इनको संक्रमण को लेकर के मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। ये पदाधिकारी राज्य सरकार के अधिकारी जो पटना में बैठे हैं और जो जिले में अधिकारी है, उन दोनों के बीच सेतु का काम करेंगे। वहां वो देखेंगे कि संक्रमण को लेकर क्या हालत है जी, किस तरीके से इंतजाम है, बेड की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, और हर दिन शाम में अपने अपने जिले की वो रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को भेजेंगे और उस रिपोर्ट के फिर आधार पर स्वास्थ्य विभाग आगे कार्रवाई करेगा। इस प्रतिनियुक्ति का मतलब यही है कि जिलों में किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति ना आए, अगर पैनिक की स्थिति होती, हालांकि बिहार में बिल्कुल स्थिति समान है, बिल्कुल पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल ने कहा है, मास्क लगाना है जी, ये इसी उद्देश्य से की गई है कि जिलों में किसी भी स्थिति में अगर दवा की कमी है, अगर ऑक्सीजन की कमी है, तो उस बात की जानकारी तुरंत राज्य सरकार को उस कमी को पूरा करेगी। तो हर स्थान में प्रत्येक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो फिर कार्रवाई करेगा। तो राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। नीतीश कुमार भी जनसभा की बात कर चुके हैं कि राज्य सरकार। मरगुब, बूस्टर डोज भी लगने शुरू हो गए हैं, लिहाजा बूस्टर डोज लेने के लिए क्या सभी पहुंचे, क्योंकि 18 से 59 वर्ष के लोग जो है वो बूस्टर डोज के लिए पहुंच रहे हैं स्वास्थ्य केंद्रों पर? बूस्टर डोज के लिए तो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो राशि का जो समायोजन है वो कल जारी किया गया है। तो अब समझिए कि आज के बाद कह सकते हैं लोगों को बूस्टर डोज जो प्रीकॉशन डोज है वो 18 से 59 साल के बच्चों के लिए लोगों को लगना है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कहा था कि वो निजी हॉस्पिटल में जाकर पैसे देकर ले सकते हैं, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए निजी जारी किया है कि अब लोगों को अब फ्री देगा। तो करिश्मा, संक्रमण को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में है और प्रीकॉशन डोज को लेकर भी राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। राज्य सरकार चाह रही है कि किसी भी स्थिति में हालात पैनिक वाली ना हो, लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है समान स्थिति समान बनी रह सकती है जी।